बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राष्ट्र का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीम राणा। बहरोड विधानसभा के लोगों के मान सम्मान एवं चहुमुखी विकास के उद्देश्य से आपके बीच भाजपा युवा नेता मोहित यादव। संकल्प बहरोड के हित का, युवाओं की पसंद जन जन का प्रेमी, आपका एक फैसला बदल सकता है बहरोड का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का। इनम हूं देशराज यादव, वक्त उचला आज की खास खबरों को जानने का। और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। भारत जोड़ो यात्रा के महानायक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस पर बहरोड के राजकीय जिला अस्पताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव के नेतृत्व में फल वितरित किया गया। इस अवसर पर यादव ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि राहुल गांधी एकमात्र राष्ट्रीय नेता हैं जो मोदी की किसान विरोधी, युवा विरोधी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलने का काम करते हैं, साथ ही भारत के भावी भविष्य हैं। मोदी के 9 साल के शासन में सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही बस्तीराम यादव ने बताया कि CBI, ED, इनकम टैक्स इत्यादि एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को तथा बीजेपी विरोधी लालू और ममता बनर्जी जैसे नेताओं का पीछा करने का काम किया है। इस अवसर पर OBC ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश सिंह भेड़ी, माजरी कला ब्लॉक अध्यक्ष तेज सिंह यादव, चौताज यादव, सरपंच कृष्ण कुमार मीणा, सरपंच जगराम प्रजापत, सरपंच जोगेंद्र यादव, पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह यादव, विक्रम यादव, प्रधान देवदत्त यादव सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। भारत जोड़ो आंदोलन के महानायक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का 53वां जन्मदिन है आज। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में कई रक्तदान शिविर, कई वृक्षारोपण, कई फल वितरण का कार्यक्रम, कई गैर सामाजिक कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर पंचायत समिति बहरोड के सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्यगण तथा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। राहुल गांधी जी निश्चित रूप से देश के, भारत के भावी भविष्य हैं। और जिस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ में डट करके राहुल गांधी जी बोलते हैं, इस बात को पूरा देश जानता है। एकमात्र नेता है जो मोदी जी की नीतियों के खिलाफ में मजबूती से बोलने का काम कर रहे हैं, वो है राहुल गांधी। आप देख रहे हैं कि 9 साल का कार्यकाल मोदी जी का पूरा हो चुका है। आज इस 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के अलावा कोई काम नहीं किया गया है। कहीं पर CBI से, कभी ED से, कभी इनकम टैक्स से, कहीं IT से भी छापे मारने का काम किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ पर चुनाव संभावित है, अभी नज़दीक है, उन राज्यों में विशेष करके मोदी जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ में ये छापेमारी का काम कर रहे हैं, जिसको देश जान चुका है। मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से देश में भाईचारा टूटता जा रहा है, जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे होते जा रहे हैं, जिस प्रकार से धर्म की राजनीति प्रभावित होती जा रही है, वो देश का युवा समझ चुका है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश के युवा आज संगठित होकर के भारत जोड़ो अभियान के तहत जिस तरह से जुड़े थे, उसका नतीजा है कर्नाटक में जीते, उसका नतीजा है कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सब जगह पर कांग्रेस पार्टी वापस राज करने का काम करने जा रही है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने महंगाई से निजात दिलाने के लिए, महंगाई से राहत दिलाने के लिए जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, उसका फायदा देश को, प्रदेशवासियों को हो रहा है। आज हमको 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री मिल रही है, हमको 2000 यूनिट प्रति माह किसान को बिजली फ्री मिल रही है। राहुल गांधी जी के जन्मदिवस पर संकल्प लेते हैं कि मोदी जी की युवा विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी, महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ में डट करके मुकाबला करने का काम करेंगे। और देश में निश्चित रूप से 2023 में तो कांग्रेस का राज राजस्थान में आ ही रहा है, 24 में लोकसभा में भी देश में मोदी जी के खिलाफ में जुलूस बच चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़ी बदलाव होगा। और अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सभी पार्टियों का सम्मेलन होने जा रहा है बिहार में, उससे साफ नतीजा
शीशा सामने आ जाएगा कि देश में बदलाव की लहर आ रही है और मोदी जी के खिलाफ में देश का युवा वर्ग बेरोजगारी से त्रस्त होकर के खड़ा हो चुका है। निश्चित रूप से बदलाव आएगा, देश में कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व करेगी। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. बेहतरीन परीक्षा परिणाम सेंटर टॉपर अंजलि चौहान 97.80%। जिले में लहराए परचम 63 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी 90% प्लस, 63 विद्यार्थी 80% प्लस। My school produced the highest number of toppers in the board exam. वर्तमान में मेरे अधीन एशियल स्कूल और कंगारू किड्स प्ले स्कूल है। बाबा श्री नारायण दास अभिनव PG महिला महाविद्यालय बहरोड़ राठ क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र महाविद्यालय। कठोर अनुशासन के बीच आपकी बेटियां रहेंगी सुरक्षित। पिछले 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरे उतरते आए हैं BA BSc MA भूगोल राजनीति विज्ञान हिंदी संस्कृत में प्रवेश प्रारंभ BSc अंग्रेजी माध्यम संचालित। शिक्षा के साथ साथ हम सेवा कार्यों में रहते हैं सबसे आगे। कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयां संचालित, तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। एड्रेस ओल्ड कोर्ट रोड नियर स्टेट बैंक बहरोड़। बहरोड़ मंथन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित दिव्यांग सेंटर के 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर इन सफल बच्चों के सम्मान में एक समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर पीयूष गोस्वामी और उनकी टीम के अथक प्रयासों से सही हो चुके बच्चों को सम्मानित किया गया। मंथन सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि सेंटर में बीमारी से ग्रसित बच्चों का फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, एक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाता है। मंथन की समर्पित टीम के अथक प्रयासों से 6 वर्षों के इस सफर में कई सकारात्मक तथा चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले। दिव्यांगता के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों के लिए मंथन को विश्व दिव्यांग दिवस पर अलवर जिले की सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में सम्मानित भी किया गया था। हाँ जी, मंथन ग्रुप से मेरा जुड़ाव काफ़ी पहले से ही रहा है और पीयूष जी मेरे मित्र भी रहे हैं, क्लासमेट भी रहे हैं। बाद में मैं अपने बच्चे को लेकर आया था, मनन नाम उसका। उसको थोड़ा बोलने के अंदर क्या है कि कुछ शब्दों को वो बोलते समय थोड़ा सा उनको स्पीडली बोलने की वजह से थोड़ी दिक्कत आती थी। बाकी यहाँ पे आने के बाद पीयूष जी की और टीम की सहायता से जो उन्होंने मेहनत की, उसके बाद में बेहद सटीक और अच्छा बोलने लग गए वो। अब उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बोलने से संबंधित। बाल विकास स्कूल हमीदपुर बहरोड़ इंग्लिश मीडियम स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, एक्सीलेंट स्टाफ की बेजोड़ मेहनत का परिणाम सेंटर टॉपर 93.17%, साथ ही सर्वाधिक गार्गी पुरस्कार से सम्मानित। नवोदय में 9 विद्यार्थियों का चयन, 2 विद्यार्थी इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ बच्चों का करवाया जाता है सर्वांगीण विकास। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पिकनिक टूर संचालक रोशन लाल यादव, तो आज ही अपने होनहारों का एडमिशन करवाएं और उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब राठ के होनहारों का फ्यूचर होगा ब्राइट, क्योंकि आपके क्षेत्र बरडोद में है ना ब्राइट फ्यूचर सेकेंडरी स्कूल इन इंग्लिश मीडियम प्ले ग्रुप 2-10 CBSE पैटर्न। एडमिशन ओपन, क्वालिटी रिजल्ट का नया सूर्योदय। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेंड स्टाफ, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जहां तनिष्का ने 97.17% अंक प्राप्त कर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, सैनिक स्कूल एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी और बेस्ट परिणाम। बेटियों की शिक्षा मजबूती के लिए 500 रूपए अकाउंट में विद्यालय की तरफ से। एम प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी, लैपटॉप एवं टैबलेट जैसे पुरस्कार। डायरेक्टर संजय चौधरी, प्रिंसिपल प्रियंका चौधरी। एड्रेस काकरा बरडोद बहरोड। मुंडावर के सरायकला में बाबा भैरू क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर ललित यादव ने सभी खिलाड़ियों और श्रोतागणों को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ शिक्षा से ही क्षेत्र का नाम रोशन नहीं किया जा सकता, बल्कि खेल प्रतियोगिताओं में उत्कर्ष प्रदर्शन करते हुए भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया जा सकता है। और कहा कि ग्रामीण परिवेश में ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो सही मार्गदर्शन मिलने पर ही क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। और कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता एक सराहनीय कदम है, जिससे ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिलता है।
सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, नीट आईआईटी और एनडीए फाउंडेशन के बैच प्रारंभ, सैनिक नवोदय मिलिट्री और आरआईएमसी के सेपरेट बैच प्रारंभ, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम, अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। Important role in a student life. Always mind it is the handwriting which shows your personality to the after world. Writing is not very well. I feel ashamed when I see the difference between me and my friends and I. Excellent hostel facility. स्कूल एमडी बल्ली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरो, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गोड, प्रिंसिपल श्वेता गोड, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। अलवर के वार्ड नंबर 57 में पेयजल समस्या से परेशान महिलाओं का एक दल पार्षद शीला जांगिड़ के नेतृत्व में जलदाय विभाग पहुंचा और एक्सियन के समक्ष अपनी पेयजल समस्याओं को रखा। इस दौरान पार्षद शीला जांगिड़ ने बताया कि उनके वार्ड क्षेत्र में यूं तो कई वर्षों से पेयजल संकट है, इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को अवगत करवा दिया जा चुका है। साथ ही रोड जाम में धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि उनकी रामनगर क्षेत्र में अमृत जल योजना के कनेक्शन व पैसे जमा हुए करीब 3 साल हो गए, पाइपलाइन डल चुकी है लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। मैं वार्ड नंबर 57 से हूं, पार्षद शीला जांगिड़। पानी के विभिन्न समस्याओं को लेकर मैं जलदाय विभाग में आई हूं। तो एक्सियन साहब के सामने अनेकों समस्याएं रखी है और उन्होंने समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। कितने समय से पानी नहीं आ रहा? पानी मेरे ये अमृत योजना का मैटर है, रामनगर कॉलोनी, और वहाँ मैंने पाइपलाइन तो डलवा दी थी और पाइपलाइन डल गई, कनेक्शन हो गए, लेकिन 3 साल से पानी नहीं आ रहा वहाँ पर। तो मैं आपके माध्यम से PHD जलदाय विभाग से इनके लिए एक बोर की मांग करना चाहती हूँ। श्रीमती नारायण देवी PG महिला महाविद्यालय कुंड रोड बहरोड, BA, BSc, MA, MSc शिक्षा के साथ साथ बेटियों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। मत्स्य विश्वविद्यालय से एक साथ 3 गोल्ड मेडल प्राप्त, कालीबाई भील योजना में स्कूटी प्राप्त। शिक्षा की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के लिए सन 2004 से श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय टाट क्षेत्र में संचालित है। मैं अभिभावकों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ पर अनुशासित, सुरक्षित और संस्कारित माहौल में आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष, बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन वह साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड में सबसे टॉप और सिरमौर है। आज ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाई तमाम सुविधाओं से युक्त न्यू स्टेट एकेडमी। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज राहुल गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नेहरू गार्डन में पौधे लगाए और सामान्य अस्पताल में फल वितरित किए। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि पूर्व सांसद राहुल गांधी के जन्मदिवस पर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा पौधारोपण कार्यक्रम भी किया गया। योगेश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी के जन्मदिवस पर यही कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनका राजनीतिक जीवन उज्जवल हो। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सम्मान्य राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और सम्मान्य राहुल गांधी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सम्मान्य राहुल गांधी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हो।
शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतरी रोड बहरोड स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां पर कोडिंग क्लासेज, अत्याधुनिक शिक्षा के लिए अटल रोबोटिक लैब, मेडिकल आईआईटी की बेहतरीन तैयारी। कोटपुतली बहरोड जिला टॉप पर रितिका यादव पुत्री वरुण यादव 98.40, 72 विद्यार्थियों में से 18 विद्यार्थी 90% प्लस, 44 विद्यार्थी 80% प्लस ने लहराए जिले में परचम। प्रधानाचार्य रमेश कुमार सुथार, चेयरमैन वरुण कुमार यादव। गर्मी की तपती धूप से परेशान लोगों के लिए फुल मस्ती का ठिकाना पैराडाइज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, सेफ सिक्योर कैंपस, अपोजिट ईपीआई की गेट, भोलड़िया नीमराना। रेन डांस, स्विमिंग, स्लाइड स्विमिंग, चिल्ड्रन पार्क, फैमिली के लिए अलग से वाटर पार्क। आप भी अपने बीवी बच्चों के साथ आ जाइए मस्ती के फुल मूड में। प्रोप्राइटर लालचंद रामपुरा नावदी वाले। अलवर नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत कई स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अब नगर परिषद कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी मुख्य वजह है आगामी दिनों में अलवर शहर से निकलने वाली जगन्नाथ भगवान की यात्रा का मार्ग सुव्यवस्थित बनाना, जिसके तहत अलवर में नगर परिषद क्षेत्र से जुड़े मुख्य बाजारों में कार्रवाई की गई है। इस दौरान घंटाघर व होप सर्कस के सामने कई दुकानदारों ने इस बात का विरोध भी किया। ऐसे में अतिक्रमण से जुड़े कर्मचारियों के साथ बाधा पहुंचाने को लेकर नगर परिषद आयुक्त से संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। जैसा कि आपको विदित है कि शहर में कुछ समय में ही जगन्नाथ जी मंदिर की शोभा यात्रा निकलने वाली है। जिन मार्गों से जो गुजरती है उसमें अस्थायी अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा है उसको हटाने की कार्रवाई हमारे अतिक्रमण निरोधक दस्ता द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर जो है हंगामा करने की कोशिश की और उसमें से कोई एक शख्स था, नाम अभी ना मालूम है, उसको डिटेन किया पुलिस ने और ऐसे लोगों विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो इस तरीके से बाधा डालते हैं। और दूसरा, ये अस्थायी अतिक्रमण की ये तो सिंपल अभी जगन्नाथ जी के मंदिर शोभा यात्रा के संदर्भ में की जा रही है, लेकिन ऑफ सर्कस, चूड़ी मार्केट इत्यादि मार्केट में भी ये कार्रवाई लगातार अब जारी रहेगी। सर, आपके कार्यालय के सामने भी और बगल में भी इस तरह का अतिक्रमण है, जैसे हटाने की कार्रवाई होती है तुरंत हटा लेते हैं, उसके बाद यथावत इनके अतिक्रमण हो जाता है। बिल्कुल, ये सही बात है। ये पब्लिक को समझना होगा कि हम सबको, प्रशासन को और पब्लिक को मिलकर सहयोग करना होगा और इसमें हमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग निश्चित रूप से चाहिए। जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा जब तक ये सारी चीज़ें नल एंड वॉइड रहेंगी। अगर सभी मिलकर हम प्रयास करेंगे शहर को सुंदर बना सकेंगे, अस्थायी अतिक्रमण हटा सकेंगे, लेकिन उसमें सहयोग, सब जन समर्थन भी चाहिए, जन सहयोग भी चाहिए। ये परेशानियाँ पब्लिक को ही हैं, प्रशासन तो कोशिश ये करता है कि पब्लिक को जो है स्मूथ सिस्टम मिले, स्मूथ यातायात मिले, गंदगी ना मिले, और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जब तक जन समर्थन नहीं होगा, जब तक संभव नहीं होगा। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल गर्ल स्कूल के सामने बहरोड को एजुकेशन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक क्रिएटिव स्कूल फॉर क्रिएटिव चाइल्ड्स, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, ट्रेंड एंड डेडिकेटेड स्टाफ, होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, माइंड एंड बॉडी बैलेंसिंग क्लासेज, फ्री DMIT एनालिसिस, नो पनिशमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मेंटल एबिलिटीज थ्रू मेडिटेशन, क्रिएटिंग ए पाथ ऑफ नॉलेज। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल का एक कदम संस्कृति की ओर, क्योंकि संस्कृति ही हमारी पहचान है। आज ही अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे की बनाएं अलग पहचान। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भरतरी रोड बहरोड। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नौदैव, ओलंपियाड, मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी, IIT नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं, फैसला आपके हाथ। अलवर में फूटी खेल निवासी दिव्यांग राजेश अपनी ही जमा अमानत राशि पाने के लिए नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। पैरों से लाचार दिव्यांग राजेश अपनी ट्राईसाइकिल पर नगर परिषद कार्यालय पहुंचा। राजेश ने कहा कि नगर परिषद में पार्किंग स्टैंड ठेके के लिए अमानत राशि के रूप में करीब 1,40,000 रुपए जमा कराए थे। टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत टेंडर का अलॉटमेंट किसी अन्य व्यक्ति को हुआ, बावजूद इसके 1.5 महीने पहले जमा कराई गई अमानत राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया, जिसके लिए रोजाना नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई बार अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं भी बता चुके हैं। मेरी समस्या यह है साहब, मैंने पार्किंग के ठेके के लिए फार्म लगाया था, उसमें अमानत राशि मैंने 50,001, 50,001, 20,001, 15,001, 5,000
1,40,000 रुपये बनते हैं, ठेका किसी दूसरे के नाम हो गया और मैं 1.5 महीने से इस कमेटी के चक्कर काट रहा हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत बेकार है, मैं जाता हूँ तो सीट पर नहीं मिलते हैं अधिकांश अधिकारी कर्मचारी, और कोई सुनने वाला नहीं है कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सर मैं ब्याज पे पैसे ले आया था, अब मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दुगेड़ा बहरोड। बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST SC में 112 सिलेक्शन दिए, पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। अलवर में एक महिला को फोन पर बात कर धोखाधड़ी से प्यार में फंसाकर शादी करने का मामला सामने आया है। इसी दौरान सैन्य समाज के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर पुखराज सैन को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है। सैन्य समाज के नेता स्वरूप चंद सैनी ने बताया कि टोंक क्षेत्र की महिला से लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र कनवाड़ा के रहने वाले व्यक्ति दिगंबर ने फोन पर बात कर उसको प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। शादी के बाद महिला की एक लड़की हुई और जब से ही उसका पति दिगंबर सिंह मौके से फरार हो गया और आज तक लौटकर वापस नहीं आया। सैन, जैसे कि हमें इस लड़की सुनीता सैन, ये टोंक के रहने वाली हाल निवासी जयपुर है, इसके साथ धोखाधड़ी करके इस लड़की को, जैसे कि बता रही है कि मैं मुझको पता चला जिसे MBBS और मुझको प्यार के जाल में फंसा कर इसने शादी कर ली थी January 2022 में। फरवरी में मुताबिक इनके दस्तावेज के इसने रजिस्ट्रेशन करवाया नगर निगम जयपुर से। उसके बाद अगस्त में इसके बच्ची पैदा हुई और बच्ची जैसे ही पैदा हुई है इसके बताए अनुसार, और वो तभी से वो लापता है। फिर ये बच्ची को लेकर के ससुराल गई है कनवाड़ा पड़ता है तहसील लक्ष्मणगढ़ के अंदर, जिला अलवर के अंदर। तो वहाँ जैसे ही गई है, जैसे कि बता रही थी मेरे साथ मारपीट करी ससुर ने, बड़ी ससुर ने, और अन्य किसी आदमी ने, किसी ने वीडियो बनाया और इसको घर से भगा दिया। घर से भगा करके थाना लक्ष्मण गई और वहाँ इसने FIR दर्ज कराई है 16 जून 2023 में। अब ये चाहती है भाई मेरे साथ न्याय हो, उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। हमें जब समाज के लोगों को पता पड़ा, मेरा जैसा कि जैसे मेरा गांव लक्ष्मण है के पास ही गांव पड़ता है कनवाड़ा के पास, तो हम लोग सबको हम इकट्ठे हुए सैन समाज के, क्योंकि तो सैन समाज की बच्ची है, तो हम सब लोग इसने इसको लेकर के कलेक्टर साहब के पास आए। भाई कलेक्टर साहब ध्यान आकर्षित करके और SP को देने, SP थाना लक्ष्मण के द्वारा तुरंत इनकी लोगों की गिरफ्तारी और प्लस इसकी माँ सुनीता सैन की सुरक्षा के लिए जो है गुहार। सुनीता सैन के वह जो माता पिता हैं, उनके पिता इसके 17 साल पूर्व एक्सपायर हो गए, इसका एक छोटा भाई है वो 17 साल का है। माँ भी थोड़ा सा दिमाग से कुछ रूझ बताते हैं, ये जयपुर में रहता है, ये परिवार टाउन छोड़ करके जयपुर रहता है, जैसे कि ये बता रही है। तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहाँ पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहाँ नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।